हेलो एवरीवन, कुक विद भावना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, रसगुल्ले सभी को बहुत पसंद होते हैं और आज रसगुल्ले की रेसिपी ही मैं आपके सामने लेके आई हूँ, जिसे हम घर पे बनाएंगे, वो भी पैकेट के दूध से। इसके लिए मैंने पर्टिकुलर गाय का दूध या भैंस का दूध नहीं लिया है, सिर्फ पैकेट के दूध से मैंने ये रसगुल्ले बना के तैयार किए हैं। तो आप रेसिपी जरूर देखिएगा और जिस तरीके से मैंने बनाए हैं रसगुल्ले, बिल्कुल ना फटेंगे ना ही सिकुड़ेंगे, यानी दबेंगे भी नहीं। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया रसगुल्ले हमने घर में बना के, और वो भी पैकेट के दूध से बना के तैयार किए हैं। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, सारे टिप्स और ट्रिक्स जो मैंने दिए हैं वीडियो में उसे फॉलो कीजिएगा और फिर आप रसगुल्ले बनाइए, 100% आपके रसगुल्ले बहुत ही बढ़िया बनेंगे। चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, रसगुल्ले बनाने के लिए यहाँ मैंने ये पैकेट वाला दूध लिया है। अभी इसे हम एक बर्तन में ले लेते हैं। ये दूसरा पैकेट भी डाल देते हैं। यहाँ 1 लीटर दूध लिया है हमने, गैस ऑन कर दिया है हमने। जब तक हमारा दूध गर्म हो रहा है, दूध को फाड़ने की तैयारी हम कर लेते हैं। तो यहाँ हमने विनेगर लेना है दूध को फाड़ने के लिए, 2 टेबलस्पून। तो यहाँ 2 टेबलस्पून हम विनेगर ले लेते हैं। और इतना ही हमें पानी लेना है, यानी 2 टेबलस्पून हमने विनेगर लिया है तो 2 टेबलस्पून हमें इसमें पानी डालना है। ये 2 टेबलस्पून हमने इसमें पानी डाल दिया है और इस घोल को हम अलग रख देते हैं जब तक हमारे दूध में उबाल आ जाए। दूध को बीच बीच में हम चला लेंगे। दूध को फाड़ने के लिए आप विनेगर की जगह नींबू का रस भी ले सकते हैं, या नींबू का सत या नींबू का फूल जो आता है उसे पानी में घोल करके ले लीजिए। और नींबू का रस लेना है तो आप जितनी मात्रा में, यानी 2 चम्मच नींबू का रस लेते हैं तो 2 चम्मच ही आपको पानी डाल के घोल बना के तैयार कर लेना है। अभी हमारे दूध में उबाल आने वाला है। फ्रेंड्स, हमारे दूध में उबाल आ चुका है तो अभी हम इसी समय गैस ऑफ कर देंगे और अभी हमें इसे 2 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रखना है। 2 मिनट के बाद हम इसे फाड़ेंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि दूध उबालने के बाद 2 मिनट उसको देना है, यानी 2 मिनट तक दूध ठंडा हो जाए उसके बाद ही हमें फाड़ना है उसे, उससे पहले नहीं। फ्रेंड्स, 2 मिनट हो चुके हैं तो अभी हमें जो हमने विनेगर का घोल बना के रखा है उसको थोड़ा थोड़ा इसमें डालना है और हल्का सा चम्मच से चला लें आप, फिर इसे थोड़ा डालना है। एक साथ हमें विनेगर को बिल्कुल नहीं डालना है इसमें, और धीरे धीरे इसको चलाते रहना है। ये देखिए हमारा दूध थोड़ा फटने लग गया है। तो ये देखिए हमारा दूध अच्छे से फट चुका है और आप देख रहे हैं बिल्कुल जो पनीर है हमारा वो एक जगह इकट्ठा हो रहा है और जो पानी है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है और हल्का सा ग्रीन कलर का दिख रहा है, मतलब हमारा पनीर बिल्कुल बढ़िया तैयार है, यानी दूध अच्छे से फट चुका है। तो अभी हमें बिल्कुल इसमें इसे नहीं रखना है और तुरंत ही हमें एक छलनी, और उस पे हमने एक पतला सा इस तरह से कॉटन का कपड़ा ले लिया है और इसमें हम इसे छान लेंगे। तो ये देखिए हम जल्दी से इसमें स्ट्रेनर में ले लेते हैं हमारे फटे हुए दूध को। ये देखिए ये पनीर सारा इसमें आ गया है और अभी हमें बिल्कुल भी देर ना करते हुए तुरंत ही इस पे ठंडा पानी डालना है ताकि जो इसका खट्टापन है विनेगर का, या नींबू अगर आप ले रहे हैं तो नींबू का, तो वो बिल्कुल निकल जाए इसमें और इसका जो टेम्परेचर है वो भी कम हो जाए। लगभग आपको 2 से 3 बार इसे अच्छे से पानी में धो लेना है ताकि बिल्कुल भी खट्टापन ना रहे इसमें। अब हमें क्या करना है कि एक बार स्पून की सहायता से इसे दबा के इसका एक्स्ट्रा जो भी पानी है इसमें हम निकाल लेंगे इसमें से। अभी हमें क्या करना है कि ये जो हमने कपड़ा लिया है कॉटन का, इसे हल्के हाथों से प्रेस करते हुए
जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकाल लेना है इस तरह से। जितना पानी इजीली निकल जाए वैसे आप निकाल लीजिए। अभी हमें क्या करना है कि इसको इस तरीके से और इसी में हम छोड़ देंगे छल्ली में, और इस पे हम कुछ वजन रख देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको हमें सूखा नहीं करना है, थोड़ा सा मॉइस्चर हमें इसमें चाहिए। आपके पास कोई भी भारी बर्तन हो, जैसे मैं ये रख देती हूँ इस पे, और 5 मिनट के लिए हमें इसे छोड़ देना है। 5 मिनट हो चुके हैं और अभी हम इसे हटा लेते हैं। जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी था वो बिल्कुल निकल चुका है अभी तक। अभी खोल लेते हैं हम इसे और पनीर को हमारे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया पनीर बनके तैयार हुआ है। इसे हम एक प्लेट में ले लेते हैं। तो हमने पनीर को एक प्लेट में ले लिया है और इसे थोड़ा मसल के हम चिकना करेंगे। हल्की सी, देखिए आप पानी की आवाज़ आती है इसमें, हल्का सा मॉइस्चर इसमें रहना चाहिए ताकि हमारे जो रसगुल्ले हैं बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेंगे। यहाँ हमने 5 से 6 मिनट हमारे पनीर को मसल के अच्छे से चिकना कर लिया है और अभी 5 मिनट बाद, यानी 5 मिनट के मसलने के बाद हम 1 चम्मच यहाँ पर मैदा ले रहे हैं। सिर्फ 1 चम्मच ही आपको लेना है और अब इसे हम मिक्स करके मसल लेंगे 2 से 3 मिनट और। मैदे की जगह आप कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं। मसल लेते हैं हम इसे एक बार वापस से। मैदे को हमने मसल के चिकना कर लिया है और मिक्स कर लिया है अच्छे से। अब छोटे छोटे इस तरह से हम हाथ में टुकड़े लेकर के पनीर के और दोनों हाथों की सहायता से बॉल्स बना लेंगे इस तरीके से। हमने ये जो पनीर बनाया था उस पनीर से हमने ये बॉल्स बना के तैयार कर लिए हैं रसगुल्ले के लिए, और अभी हम इसे एक गीले कपड़े से कवर करके रख देंगे ताकि ये सूखे ना। और हम चलते हैं हमारे चाशनी बनाने की तरफ। फ्रेंड्स, चाशनी बनाने के लिए हमने 1 कप चीनी ले ली है और इसमें हमें अब 3 कप पानी डाल देना है। गैस ऑन कर देते हैं अभी हम चाशनी को, अब उबलने देते हैं हम। चीनी का रेशियो भी इसमें बहुत ही सिंपल है। आपने 1 लीटर दूध लिया है तो आपको 1 कप चीनी लेनी है। आप 2 लीटर दूध के बना रहे हैं तो आप 2 कप चीनी ले लीजिए। और यहाँ हमने 3 कप पानी डाला है अभी, और बाद में हम और डालेंगे इसमें पानी, तो आप देखते रहिए वीडियो पूरा। और जो सारे टिप्स मैं इसमें बता रही हूँ अगर आप फॉलो करेंगे तो 100% आपके रसगुल्ले बहुत ही बढ़िया बनेंगे। तो हमारी चाशनी में अच्छे से उबाल आ गया है, तो गैस की फ्लेम हम लो कर देते हैं अभी। और एक बाउल लेकर के और हम थोड़ी चाशनी इसमें निकाल लेंगे, थोड़ी ही निकालनी है, ज़्यादा नहीं निकालनी है हमें। और इसे हम ठंडा करके और फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। ये देखिए मैंने इतनी चाशनी निकाल ली है और बाकी को हम इसी में छोड़ देंगे। अभी हमें क्या करना है, इसमें 2 कप पानी हम और डालेंगे। ये देखिए, और इसे हम अच्छे से उबाल आने तक पकाएंगे। पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है और हाई फ्लेम पे ही रखना है अभी हमें इसे। और एक एक करके उबलते हुए पानी में हम रसगुल्ले छोड़ देंगे, और आपको एक साथ नहीं डालने हैं, एक एक ही डालने हैं ताकि पानी का जो टेम्परेचर है वो कम ना हो बिल्कुल। तो हमने सारे बॉल्स इसमें डाल दिए हैं और 2 मिनट तक हमें इसे खुला ही पकाना है, उसके बाद हम इसे कवर करके पकाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं और अभी हम इसे कवर कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि जो रसगुल्ले बन रहे हैं वो साइज में डबल हो चुके हैं। यहाँ मैंने लिड लगा ली है इस पे, और यहाँ थोड़ा सा इसमें होल है ताकि एयर बाहर आ सके। और यदि आप इस तरह का ढक्कन काम में नहीं ले रहे हैं तो थोड़ा सा ढक्कन को खोल दीजिए, और इसे हमें 5 मिनट तक लगातार पकाना है।
और हाई फ्लेम पे पकाना है हमें इसे। तो ये देखिए हमारे रसगुल्ले बहुत अच्छे से उबल रहे हैं। ये जो बबल्स आप देख रहे हैं इससे हमारे रसगुल्ले चारों तरफ से बहुत अच्छे से पकेंगे, इसीलिए हम इसे कवर करके पका रहे हैं। 5 मिनट हो चुके हैं तो अभी हम कवर हटा देते हैं। ये देखिए हमारे रसगुल्ले कितने बढ़िया फूले हैं। अभी हमें इसे क्या करना है, हल्का हल्का पलट देना है चम्मच के पिछले हिस्से से, ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से पके। अब वापस हम इसे कवर कर लेते हैं। और यदि इस समय आपको लगता है कि पानी कम हो गया है तो इसमें गर्म पानी ही डालें, ठंडा पानी बिल्कुल ना डालें। लेकिन हमारे काफ़ी पानी हमने ज़्यादा ले लिया था पहले ही, इसीलिए सफिशियंट है और इसमें डूबे रहने चाहिए ताकि बहुत ही अच्छे स्पॉन्जी और सॉफ्ट रसगुल्ले बने। नहीं तो क्या होगा कि वो बैठ जाएंगे, यानी कि सिकुड़ जाएंगे। अभी फिर कवर करके हमें इसे 5 मिनट और पकाना है। तो फ्रेंड्स 5 मिनट और हो चुके हैं हमारे रसगुल्लों को उबलते हुए। तो अभी हम फिर लिड हटा के और देखते हैं। ये देखिए हमारे रसगुल्ले बिल्कुल अच्छे से अब पक चुके हैं। तो अभी हम इस टाइम पे क्या करेंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब यहाँ हमने एक बाउल ले लिया है और उसमें बिल्कुल चिल्ड वाटर लिया है और उसमें कुछ आइस क्यूब्स डाल दिए हैं हमने, और जो हमने रसगुल्ले बनाए हैं वो एक एक करके अब हम इसमें डालेंगे ठंडे पानी में, और थोड़ी चाशनी के साथ ही आपको इसमें डालना है एक एक करके, और हम इसमें सारे रसगुल्ले डाल देंगे। आठ से दस मिनट हम इसमें ठंडे पानी में हम रसगुल्लों को छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं आप कितने बढ़िया हमारे रसगुल्ले बनके तैयार हुए हैं। अभी हम इसे एक तरफ रख देते हैं, और ये जो हमने चाशनी बचा के रखी थी इसमें हम अब गुलाब जल मिला देंगे हम इसमें। आपके पास यदि रोज़ एसेंस है तो आप 2 बूंद रोज़ एसेंस की डाल दीजिए, और नहीं है तो यहाँ रोज़ वाटर हम 2 टीस्पून डालेंगे। और आपके पास यदि केवड़ा एसेंस है या केवड़ा वाटर है तो आप वो भी डाल सकते हैं इसमें। मिक्स कर देते हैं इसे अच्छे से। इससे क्या होगा कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर मिल जाएगा हमारे रसगुल्लों को। अभी सारे रसगुल्ले हम इसमें से निचोड़ करके और इसमें डाल देंगे। तो आप देख रहे हैं हमारे रसगुल्ले कितने बढ़िया बने हैं। इनका पानी निकालने के बाद भी ये बिल्कुल अपनी उसी शेप में आ जाते हैं। हल्का सा पानी निकाल के और सारे रसगुल्ले हम इसमें डाल देंगे चाशनी में। तो फ्रेंड्स हमारे रसगुल्ले बनकर के बिल्कुल तैयार हैं। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया रसगुल्ले बनके तैयार हुए हैं, है ना, बिल्कुल मार्केट जैसे। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, आप जाली देख सकते हैं। कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी रसगुल्ले बनके तैयार हुए हैं। आप भी जरूर ट्राई कीजिए घर में इस रेसिपी को, और रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ।